बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11 मेंस के पीके की एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो 5 हमारे साथ है, तीन पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 5 के। नंबर 1, लेट Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। वेरीफाई दैट Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में भी Z1 और Z2 गिवन है। वेरीफाई दैट Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट एंड टू Z2 कंजुगेट। एंड नंबर 3, Z1 और Z2 गिवन है। वेरीफाई दैट Z1 डिवाइड बाय Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट डिवाइड बाय Z2 कंजुगेट। तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट लेते हैं नंबर 1 से। तो हमारे साथ वेरीफिकेशन है Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ है Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट वी फाइंड Z1 प्लस Z2। सो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 हमारे साथ है 2 प्लस 4 आयोटा और प्लस Z2 हमारे साथ है 1 माइनस 3 आयोटा। सो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो 2 प्लस 1 से हमारे साथ आता है 3 और 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा बराबर है आयोटा का। अब ये हमारे साथ Z1 प्लस Z2 है, लेकिन कंजुगेट मालूम करने, टू टेक कंजुगेट ऑन बोथ साइड Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा होल कंजुगेट। तो यहाँ पे कंजुगेट ले ले और ये कंजुगेट अप्लाई कर ले। अप्लाई मतलब कि इमेजिनरी का साइन चेंज कर ले, तो ये प्लस आयोटा से माइनस आयोटा हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ वी आर फाइंड Z1 कंजुगेट एंड Z2 कंजुगेट। तो Z1 हमारे साथ है, अब राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमारे साथ Z1 है 2 प्लस 4 आयोटा। तो अब टेक कंजुगेट ऑन बोथ साइड, तो Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा कंजुगेट। अब कंजुगेट अप्लाई कर ले, तो Z1 कंजुगेट इज इक्वल टू, अप्लाई का मतलब ये है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर ले, तो 2 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा। सिमिलरली Z2 हमारे साथ है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा। तो 1 माइनस 3 आयोटा कंजुगेट ले ले Z2 कंजुगेट इज इक्वल टू, टेक कंजुगेट ऑन बोथ साइड। नाउ Z2 कंजुगेट, अब कंजुगेट अप्लाई कर ले, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर ले। अब Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट मालूम कर ले, Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। तो Z1 कंजुगेट हमने मालूम किए, हमारे साथ है 2 प्लस 4 आयोटा। Z1 कंजुगेट 2 माइनस 4 आयोटा है, ये 2 प्लस 4 आयोटा मैंने कंजुगेट लिया है, तो यहाँ पे ये माइनस है। तो Z1 कंजुगेट हमारे साथ है 2 माइनस 4 आयोटा और Z2 कंजुगेट हमारे साथ है 1 प्लस 3 आयोटा। तो इसको सिंपल आप ऐड कर लें, तो 2 प्लस 1 से हमारे साथ 3 आता है और माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा से आता है माइनस आयोटा। तो इसका मतलब ये है कि Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट हमारे साथ बराबर है 3 माइनस आयोटा का, और Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट भी 3 माइनस आयोटा के बराबर है, मतलब दोनों सेम है। सो प्राइम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज वेरीफाइड दैट, ये वेरीफाई हो गई, वेरीफाइड दैट Z1 प्लस Z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे साथ है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2
होल कंजुगेट इज इक्वल टू जेड वन कंजुगेट एंड टू जेड टू कंजुगेट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले जेड वन जेड टू मालूम करते हैं। तो जेड वन हमारे साथ है, पार्ट नंबर टू में हमारे साथ जेड वन है 2 + 3 iota, 2 + 3 iota, और जेड टू हमारे साथ है 2 - 3 iota। 2 + 3 iota और 2 - 3 iota हमारे साथ फार्मूला है a + b² और a - b, एंड a - b इज इक्वल टू a² + b² तो a² मतलब 2² - b², b हमारे साथ है 3 iota। यहाँ फिर बिकॉज a + b (a - b) इज इक्वल टू a² - b², सो z1 z2 इज इक्वल टू 2² से हमारे साथ 4 आता है, और 3 iota होल स्क्वायर, तो 3 × 3 = 9 और iota स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 - 9 iota स्क्वायर, तो 9 हमारे साथ आता है और iota स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ -1 है, तो इससे हमारे साथ आता है 4 माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन से प्लस आता है, तो 4 + 9, सो z1 z2 इज इक्वल टू 4 + 9 से आता है 13, 4 + 9 से क्या आता है 13, और इमेजनरी पार्ट हमारे साथ नहीं है 0, तो 13 + 0 iota भी हम लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वैसे भी हमारे साथ वो 0 है। ठीक है, तो आप इस तरह लिख सकते 13 + 0 iota इज इक्वल टू 13। अब हम इसका कंजुगेट मालूम करते हैं, तो टेक कंजुगेट ऑन बोथ साइड, तो z1 + z2 होल कंजुगेट इज इक्वल टू 13 कंजुगेट, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो अगर हम कंजुगेट अप्लाई कर लें तो हमारे साथ दोबारा 13 के बराबर आता है, इसलिए कि हमारे साथ इसमें इमेजनरी पार्ट 0 है या नहीं है, 0 मतलब कि नहीं है, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में पहले हम जेड वन हमारे साथ है 2 + 3 iota, 2 + 3 iota, तो जेड वन का हम कंजुगेट मालूम करते हैं, जेड वन कंजुगेट हमारे साथ कंजुगेट दोनों साइड पे अप्लाई कर ले, अब कंजुगेट अप्लाई कर ले तो हमारे साथ जेड वन कंजुगेट आ जाएगा 2 - 3 iota, और जेड टू कंजुगेट, तो जेड टू हमारे साथ है 2 - 3 iota, तो इसका कंजुगेट ले ले और कंजुगेट अप्लाई कर ले, तो जेड टू कंजुगेट हमारे साथ आ जाएगा 2 + 3 iota। अब जेड वन कंजुगेट मल्टीप्लाई बाई जेड टू कंजुगेट मालूम कर ले, तो 2 - 3 iota, या फिर नाउ जेड वन कंजुगेट इंटू जेड टू कंजुगेट इज इक्वल टू 2 - 3 iota इंटू 2 + 3, दोबारा वही फार्मूला a² - b² 2² - 3 iota होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2² से 4 आता है, माइनस 3² से 9 आता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, यहाँ पे लिख ले बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो जेड वन कंजुगेट इंटू जेड टू कंजुगेट से हमारे साथ वही 13 आता है, 4 ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है प्लस आता है, तो 4 + 9, तो 4 + 9 से 13 आता है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ भी 13 है, जेड वन जेड टू होल कंजुगेट भी 13 है, जेड वन जेड टू होल कंजुगेट भी 13 है, और जेड वन कंजुगेट मल्टीप्लाई बाई जेड टू कंजुगेट भी 13 है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जेड वन जेड टू होल कंजुगेट इज इक्वल टू जेड वन कंजुगेट मल्टीप्लाई बाई जेड टू कंजुगेट, हेंस इट इज वेरीफाइड। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है जेड वन डिवाइड बाई जेड टू होल कंजुगेट इज इक्वल टू जेड वन कंजुगेट डिवाइड बाई जेड टू कंजुगेट, तो पहले हम जेड वन डिवाइड बाई जेड टू मालूम करते हैं, टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो जेड वन डिवाइड बाई जेड टू, तो पार्ट नंबर 3 में जेड वन हमारे साथ है -a - 3b iota डिवाइड बाय 2a - 3b iota, 2a - 3b iota। अब ये डिवीजन में है, तो इसके तरीका ये है कि इसको रेशनलाइज कर लें, तो इसका तरीका कार ये है
कि जो डिनोमिनेटर है इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 2a प्लस 3b आयोटा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2a प्लस 3b आयोटा। सो z1 डिवाइड बाय z2 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 3b आयोटा डिवाइड बाय 2a माइनस 3b आयोटा, और इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लें और इसकी कंजुगेट से डिवाइड कर लें। आप न्यूमेरेटर को न्यूमेरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो पहले माइनस ए और 2a मल्टीप्लाई करें, तो इससे आता है माइनस 2a स्क्वायर, फिर माइनस ए और 3b आयोटा मल्टीप्लाई कर ले, तो माइनस 3ab आयोटा, फिर माइनस 3b आयोटा और 2a मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस आता है और 2 3 6 ab आयोटा, और फिर 3b आयोटा माइनस 3b आयोटा और प्लस 3b आयोटा, तो माइनस 3 3 9 और b और b के मल्टीप्लीकेशन से b स्क्वायर और आयोटा और आयोटा से आयोटा स्क्वायर आता है डिवाइड बाय, ये हमारे साथ फार्मूला है a माइनस b और a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सिंपल फार्मूला है ये। सो z1 डिवाइड बाय z2 इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3ab आयोटा माइनस 6ab आयोटा, दोनों सेम है, ab आयोटा ये भी है और ab आयोटा ये भी है, तो 3 और 3 दोनों माइनस है, तो दोनों ऐड करेंगे हम और साइन माइनस लगाएंगे, तो माइनस 9ab आयोटा और माइनस 9b स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे साथ है माइनस 1 डिवाइड बाय 2a स्क्वायर, हमारे साथ 4a स्क्वायर के बराबर है, 2 2 4 और a का स्क्वायर 1 स्क्वायर आता है, 3 3 9 b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। सो z1 डिवाइड बाय z2 इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर माइनस 9ab आयोटा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 9b स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है माइनस 1। सो z1 डिवाइड बाय z2 इज इक्वल टू, रियल पार्ट को अलग कर ले, रियल पार्ट पहले लिख ले, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और इसमें आयोटा है तो इमेजिनरी पार्ट आखिर में लिख ले, और ये हमारे साथ 4a स्क्वायर, और ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाए प्लस आता है, प्लस 9b स्क्वायर, रियल पार्ट को अलग कर ले, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर ले, तो माइनस 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट अलग कर ले, तो माइनस 9ab डिवाइड बाय 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर आयोटा। अब ये मैंने 4a स्क्वायर प्लस 9b दो इसके साथ भी है, रियल पार्ट के साथ भी है तो इसके साथ भी लिख लिया, और ये इमेजिनरी पार्ट के साथ भी है तो इसके साथ भी लिख लिया। This is now take conjugate on both side. So z1 divided by z2 whole conjugate is equal to minus 2a square plus 9b square divided by 4a square plus 9b square minus 9ab divided by 4a square plus 9b square iota whole conjugate. तो z1 अब कंजुगेट अप्लाई कर ले, तो z1 डिवाइड बाई z2 होल कंजुगेट हमारे साथ बराबर हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। कंजुगेट अप्लाई का मतलब कि नेगेटिव साइन इमेजनरी इमेजनरी का सिंबल चेंज हो जाएगा फ्रॉम माइनस टू पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव आयोटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम z1 कंजुगेट डिवाइड बाय z2 कंजुगेट मालूम करते हैं, तो z1 डिवाइड बाय z2 टेक नाउ टेक राइट हैंड साइड, तो z1 हमारे साथ है, z1 हमारे साथ है या z1 कंजुगेट डिवाइड बाय z2 कंजुगेट, असल में इस पर भी कंजुगेट है, तो z1 हमारे साथ है
माइनस ए माइनस थ्री बी आयोटा, माइनस ए माइनस थ्री बी आयोटा और कंजुगेट, ये जेड वन मैंने लिख लिया और ऊपर कंजुगेट लिख लिया, और जेड टू हमारे साथ है, जेड टू हमारे साथ है टू ए माइनस थ्री बी आयोटा और इसकी भी कंजुगेट है, कंजुगेट इस पर अप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा माइनस ए प्लस थ्री बी आयोटा डिवाइड बाई टू ए प्लस थ्री बी आयोटा। अब इसको इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले तो जेड वन कंजुगेट डिवाइड बाई जेड टू कंजुगेट हमारे साथ आ जाएगा माइनस ए प्लस थ्री बी आयोटा डिवाइड बाई टू ए प्लस थ्री बी आयोटा। और इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर ले और इसकी कंजुगेट से डिवाइड कर ले, माइनस ये माइनस है क्योंकि प्लस मतलब कि इसका साइन चेंज हो जाएगा, इमेजिनरी कंजुगेट का मतलब ये है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ले तो जेड वन कंजुगेट डिवाइड बाय जेड टू कंजुगेट इज इक्वल टू न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, माइनस ए मल्टीप्लाई बाय टू ए से आता है माइनस टू ए स्क्वायर और माइनस ए और माइनस थ्री बी आयोटा से, तो माइनस ए और माइनस थ्री प्लस थ्री ए प्लस थ्री ए बी प्लस थ्री बी ए बी आयोटा और थ्री बी आयोटा और टू ए से आता है टू थ्री जार सिक्स ए बी आयोटा और थ्री बी आयोटा और माइनस थ्री बी आयोटा से आता है माइनस थ्री थ्री जार नाइन बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर डिवाइड बाई, अभी ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो जेड वन कंजुगेट डिवाइड बाई जेड टू कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस टू ए स्क्वेयर, थ्री ए बी आयोटा और सिक्स ए बी आयोटा नाइन ए बी आयोटा के बराबर है, माइनस नाइन बी स्क्वेयर आयोटा के स्क्वेयर की वैल्यू हमारे साथ माइनस वन है डिवाइड बाई टू ए होल स्क्वेयर से आता है फोर ए स्क्वेयर, माइनस थ्री बी आयोटा होल स्क्वेयर थ्री थ्री जार नाइन बी स्क्वेयर और आयोटा स्क्वेयर। सो जेड वन डिवाइड बाई जेड वन कंजुगेट डिवाइड बाई जेड टू कंजुगेट इज इक्वल टू माइनस टू ए स्क्वेयर प्लस नाइन ए बी आयोटा, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस आता है और नाइन बी स्क्वेयर डिवाइड बाई फोर ए स्क्वेयर माइनस नाइन बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन है। सो जेड वन डिवाइड बाई जेड टू कंजुगेट इज इक्वल टू रियल पार्ट पहले लिख लिया माइनस टू ए स्क्वेयर और ये भी रियल है प्लस नाइन बी स्क्वेयर, इमेजिनरी पार्ट आखिर में लिख लें डिवाइड बाई फोर ए स्क्वेयर, माइनस माइनस से हमारे साथ प्लस आता है मल्टीप्लीकेशन से और नाइन बी स्क्वेयर। अब रियल पार्ट अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें, माइनस टू ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर डिवाइड बाई फोर ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर इसके साथ भी है और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी है प्लस नाइन ए बी आयोटा डिवाइड बाई फोर ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर। तो अब अगर हम इक्वेशन नंबर वन चेक कर लें तो दोनों सेम है बिल्कुल, माइनस टू ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर माइनस टू ए स्क्वेयर प्लस नाइन डिवाइड बाई फोर ए स्क्वेयर प्लस नाइन ए बी स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर और नाइन नाइन ए बी आयोटा प्लस फोर ए स्क्वेयर प्लस नाइन बी स्क्वेयर, ये भी दोनों सेम है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज वेरीफाइड दैट जेड वन डिवाइड बाई जेड टू होल कंजुगेट के लिए आप ब्रैकेट जरूर लगाएंगे इज इक्वल टू जेड वन कंजुगेट डिवाइड बाई जेड टू कंजुगेट, तो तमाम पार्ट साल हो गई और वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो आप लोग मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।